अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आज इंडिया में दूसरा रोज़ा भी हो गया और इस बार मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ डेली व्लॉग शेयर करूंगी रमज़ान के, लेकिन फर्स्ट डे का व्लॉग जो है वो मैं नहीं शूट कर पाई, क्योंकि मुझे जो है फीवर और उसकी वजह से इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी कि मैं जो हूँ फर्स्ट डे का व्लॉग जो है आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। बहरहाल आज मैं सबसे पहले जो मैंने कल सामान मंगवाया था वो सारा सेट करूँगी, क्योंकि सबसे पहले जो मेरे फ्रूट्स हैं वो ख़राब नहीं जाएँ, इसलिए मैंने उसको फ्रिज में रखा। और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी सी चिकन पफ की रेसिपी भी शेयर करूँगी, बहुत टेस्टी बन रहे हैं, एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो सबसे पहले मैंने सारे फ्रूट्स और बाकी जो सामान था वो उसकी जगह पर सेट करा, और मैंने बनाया था चिकन स्टू, जिसकी रेसिपी जो है ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, वो आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी चिकन पफ की रेसिपी। तो इसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल लेना है और उसमें डालना चॉप्ड अनियन। जैसे ही अनियन का कलर हल्का सा चेंज होगा उसमें डालेंगे हम कैप्सिकम, फिर सेकंड के लिए इसको सॉटे कर लेंगे। उसके बाद डालना है इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, मैंने यहाँ पर टमाटर प्योरी डाली है, आप जो है टमाटर को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। साथ मैंने इसमें डाला है ऑरिगैनो, रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट, बस इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं डलेगा, कोई मसाला ऐड नहीं करना है हमें इसमें। और अब मैंने चिकन को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बस अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम को कर देना एकदम लो और 10 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देना है। जब तक हमारा चिकन कुक होगा तो हम डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। डो बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। नॉर्मली आपको मैदा लेना है, उसमें डालना है थोड़ा सा सॉल्ट और बेकिंग पाउडर। अच्छा, बेकिंग पाउडर ही डालना है हमें, बेकिंग सोडा नहीं डालना है। अगर आपने बेकिंग सोडा डाला तो सारे पफ जो है वो ख़राब हो जाएंगे। साथ में मैंने इसमें डाला है ऑयल, आप घी भी डाल सकते हैं इसमें और बटर भी डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। एक बार सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक इसका एक टाइट सा डो बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारा डो जो है बिल्कुल परफेक्टली बनकर तैयार हो गया है। इसको कवर करेंगे, आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ देखिए हमारा चिकन जो है वो अच्छे से टेंडर हो गया है, इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे और यहाँ हम अपनी रोटी को बेल लेंगे। तो पहले तो हम जैसे नॉर्मल रोटी बेलते हैं उसी तरीके से रोटी को बेल कर तैयार कर लेंगे, और इसको जो है हम नाइफ से कट कर देंगे एकदम स्क्वायर शेप में। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे और ऐसे ही सारे पफ की जो शीट्स हैं वो हम तैयार करके रख लेंगे। और शीट जो है ना एकदम आपको पतली नहीं बनाना है, जिस तरीके से हम रोटी बेलते हैं उस तरीके से बनाना है। और शीट के इस साइड से हम दो पार्ट में इसको हम डिवाइड करेंगे, एक पार्ट जो है इसका थोड़ा सा पतला रहेगा और एक पार्ट जो है वो थोड़ा सा चौड़ा रहेगा। अब इसमें हम जो अपनी स्टफिंग है वो ठंडी हो गई है वो इसमें डाल देंगे। अब इसके साइड्स पर थोड़ा सा पानी लगा लेंगे जिससे ये अच्छे से सील हो जाए और इसका चिकन जो है बाहर नहीं निकले। अब जो बड़ी वाली साइड है उसको जिस पे हमने स्टफिंग रखी है, जो थोड़ी छोटी साइड थी उससे कवर कर देंगे और इसके जो एक्स्ट्रा एजेस है इसको कट कर देंगे। बस अब ले लेंगे एक फोक और इसको इस तरीके से पफ का शेप दे लेंगे। इससे देखने में तो आपके पफ अच्छे लगेंगे और इससे जो है आपकी स्टफिंग जो है वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगी। तो बस इस तरीके से सारे पफ जो है हम बनाकर तैयार कर लेंगे, बहुत जल्दी इंशाल्लाह बन जाएंगे और बहुत ज़्यादा आसान है बनाने में। बस अब तेल को गर्म करना है और तेल को गर्म करने के बाद लो फ्लेम पर इसको कर देना है गैस को, जिससे जिस तरीके से हम समोसे फ्राई करते हैं ना उस तरीके से इसकी टेम्परेचर को रखना है। ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर इसको बिल्कुल फ्राई नहीं करना है, उससे जो है आपके जो पफ है वो क्रिस्प नहीं आएगा और ये जल जाएंगे। तो बस इस तरीके से इसको फ्राई कर देना है, हल्का सा लाइट गोल्डन हो जाएंगे तो हम इसको प्लेट
में निकाल लेंगे और एकदम आपके टेस्टी से परफेक्ट चिकन पफ बनकर तैयार हैं। साथ ही मैंने फ्रूट चाट बनाई थी, तो फ्रूट चाट के लिए जो भी फ्रूट्स थे वो मैंने काट लिए थे और अब मैं इन सभी फ्रूट्स को एक बोल में डालूंगी। थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी शुगर जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, और साथ में डालूंगी थोड़ा सा लेमन जूस। अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सारे फ्रूट्स अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारी जो फ्रूट चाट है वो बिल्कुल तैयार है। और आज का व्लॉग बस इतना ही था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।